हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रेशमा टेस्टी फूड चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं धनिया का ठेचा यानी कोथिंबरी का ठेचा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो गैस पर मैंने रखा है पैन, पैन में डाला है मैंने 1 टीस्पून इतना तेल। तेल में डाली है मैंने 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से स्लिट किया है। इसे हम पहले अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम आधी जुड़ी इतना धनिया। धनिया को अच्छे से साफ कर धोकर लीजिएगा। इसे हम करीब 1 मिनट से भी कम इतना ही सॉटे करेंगे। फिर गैस को कर देना है बंद। अब गैस को बंद कर दिया है और इसे हम प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसे डालेंगे मिक्सी के जार में। इस मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें डालेंगे हम 1/8 टीस्पून इतना हींग और स्वादानुसार थोड़ा सा नमक और इसे हम पीसेंगे। पीसने के बाद यहाँ पर हमारा धनिया का ठेचा, कोथिंबरी का ठेचा तैयार है। बस सर्व करते टाइम आपको ठेचे में मिक्स करना है दही। दही मिक्स करने के बाद ये ठेचा बहुत टेस्टी लगता है। बारिश के दिनों में सब्जियाँ कम होती है, उस टाइम आप इस ठेचे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।